हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाजार इनसाइट। दोस्तों, आप जैसे कि आप जानते हैं, पिछले दिन से यानी कि फ्राइडे से मैंने एक न्यू वीडियो सीरीज़ चालू किया है, जिसमें मैं नेक्स्ट डे मार्केट का अपडेट्स लेके आ रहा हूँ। यानी कि आज मैं बताऊँगा कल 18 अगस्त को मार्केट का क्या चाल रह सकता है और कौन कौन सा स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मैं डिस्कस करूँगा 3 ऐसे स्टॉक्स को लेके। पिछले दिन भी मैं 3 स्टॉक्स के बारे में बोला था कि ये 3 स्टॉक्स में आज हम ट्रेड करते रहेंगे, उसका स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ दिया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई सेवी एडवाइज़र नहीं हूँ, सेवी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ना कि मैं कोई एडवाइजरी फॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एडुकेशन पर्पस, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं फ्री में, देखकर आप खुद के रिस्क पर मार्केट में ट्रेड कीजिए, ठीक है। और कुछ लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर ठीक है, मैं यहाँ पर जो लेवल्स दिया हुआ है, नेक्स्ट डे ओपन के बाद लेवल्स थोड़ा चेंज हो जाता है। हाँ, ये सच बात है, ठीक है, क्योंकि आज बैठ के मैं कल क्या होगा एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ आ सकता है, बहुत सारी चीज़ होता है रात भर, इंटरनेशनल मार्केट का इफ़ेक्ट नेक्स्ट डे हमारा यहाँ निफ्टी पर, सेंसेक्स पर पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि क्लोज़ टू क्लोज़ क्या हो सकता है इन टेक्निकल एनालिसिस, बाय टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बताऊँगा। और एक चीज़ जो लेवल्स चेंज होता जाए वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा टेलीग्राम में एक चैनल है, व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप है, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ ऐड हो सकते हैं। और देखिए, मैं एक सेल ट्रेडर हूँ, पहले में आपको बताया कि मैं कोई एडवाइजर वगैरह नहीं हूँ, तो मैं खुद जो ट्रेड करता हूँ वही मैं डिस्कस करता हूँ। तो मार्केट आवर्स में मैं हमेशा सबको रिप्लाई नहीं दे पाता, इसके लिए पहले ही मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपको फिर भी मेरा जो ट्रेड है एग्जैक्टली मैं कहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ वो जानना है और उस पर ट्रेड भी करना है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, वो भी फ्री है। आप एक काम कर सकते हैं, मेरा एक फ्रेंचाइजी ब्रोकिंग है आप स्टॉक्स के साथ, वहाँ पर आप एक अकाउंट खोल ले पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं जो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कैसे ओपन करें, वहाँ पर ऐड होकर अगर आप खोले अकाउंट, कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप जुड़ जाए मेरे साथ तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, मार्केट आवर्स लाइव कॉल्स, कैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या ट्रेड कर रहा हूँ विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। देखिए, कुछ लोग बताएंगे कि यहाँ पर मैं ये न्यू अकाउंट ओपन करवाने के लिए वीडियो वगैरह कुछ बना रहा हूँ। देखिए, ये बात नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता एक्चुअली में, ट्रेड मैं खुद करता हूँ और ये वीडियो मैं खुद बना रहा हूँ तो उतना टाइम नहीं मिलता। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप फ्री में ये वीडियो देखिए, आप खुद सीखिए, खुद जानिए। और इस चैनल पर मैं और एक सीरीज़ चालू किया है जो जिसमें 100 इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बोलेंगे, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से स्ट्रैटेजी सीखकर खुद ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और जो चीज़ें अकाउंट के बारे में मैं आपको जो बोला वो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप करते हैं तो अच्छा, वेल एंड गुड, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो आपको मार्केट आवर्स में आपको मैं दे दूंगा, नहीं तो मार्केट आवर्स में मैं किसी के साथ बात नहीं कर पाता हूँ, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीधे बात पे आते हैं, लास्ट डे जो 3 ट्रेड मैं आपको दिया था, पहला वाला जो था HDFC बैंक में, ठीक है, HDFC बैंक में मैं बताया था फ्राइडे को, अब देख सकते हैं वीडियो, प्रीवियस वीडियो मैं जोड़ दूंगा वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं बोला था HDFC बैंक को बाय करने के लिए नियर 1026 लेवल, ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस भी मैं बोला था 1016 का। तो आज आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ये 17th को मार्केट ओपन हुआ
1045.95 पर, ठीक है। तो उसके बाद तो नीचे आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 11:15 की कैंडल, जिसमें लो दिया था 1026.20। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाय किया था, ठीक है। और उसका जो आपका क्या बोला वो स्टॉप लॉस था, जो कि था आपका 1016 का, ठीक है। जो देख सकते हैं आप यहाँ पर लो दिया 1020 तक, उसके बाद फिर से रिवर्स हो गया और आपका 1035.5 का हाई दिया, तो लगभग 9-10 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया हम लोगों को, ठीक है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो लो दिया था वो था 1020.20, यानी कि 6 पॉइंट तक नीचे गया था। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई नहीं हो सकेगा मार्केट में कि आपको प्रॉपर एकदम सही एंट्री देगा, सही एग्जिट देगा, ऐसे नहीं होता है। और एक दिन पहले तो ये बोलना बहुत ही मुश्किल है कि कल क्या होने वाला है। गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर भी मैं कोशिश किया और आप देख सकते हैं इसका नेट रिज़ल्ट आप लोगों के पास है, 9 पॉइंट की प्रॉफिट मैं जनरेट करके दिया, ठीक है। और एक जो कॉल दिया था मैंने लास्ट डे को टी सी एस में मैंने बोला था टी सी एस सेल बिलो 2250 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2285, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हुआ, टी सी एस आज ओपन हुआ 2260.95, ठीक है। और सेल था मेरा 2250 के बिलो। तो ये कैंडल आप देखिए इसमें क्या बिलो, इसमें यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जाके वो एक्टिव हुआ है, वो 11:45 का जो कैंडल था 15 मिनट का, वहाँ पर जाके एक्टिव हुआ। उसके बाद ये लो दिया 2238 तक की, ठीक है, 2238 तक की लो दिया, फिर से 12 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिला। उसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर 2260.95 का फिर से वो लेवल आ गया, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, ठीक है। इसमें भी 10-12 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिला। और एक जो थर्ड कॉल था HUL हिंदुस्तान लीवर का बाय कॉल था 2150 से 2152 का लेवल मैंने बोला था, लेकिन आज वो बैड लक वो एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। ये जो तीन कॉल्स में दो कॉल एक्टिवेट हुआ है, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हम लोगों को मिला। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कि पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आज जो देखने को मिला, देख सकते हैं आप ट्रेंड लाइन मैंने खींचा है निफ्टी का। लास्ट डे भी मैंने बोला था यहाँ पर कुछ सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे लिया है, और यहाँ पर देखिए आज फिर से वहाँ से लौटा निफ्टी। मुझे जो लगता है ऊपर ही जाने वाला है, नीचे आई डोंट थिंक और नीचे जाएगा, ये तो ऊपर ही लग रहा है। कमिंग टाइम्स में वो तो टाइम बताएगा कितना ऊपर जाएगा, लेकिन फिलहाल नेक्स्ट डे यानी कि कल निफ्टी थोड़ा डीप में बाय करके चलना ही अच्छा होगा, विथ स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 11,100, ठीक है। उसके नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप कुछ भी लेवल मिले उसके आसपास का लेवल, वहाँ से आप बाय करके चल सकते हैं फॉर टुमारो इंट्राडे, ठीक है। और जो है बैंक निफ्टी का भी सेम सिचुएशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर से नीचे आया था, और ये जो ट्रेंड लाइन इस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है लगातार, ये देखिए 3-4 तारीख लगातार उसके बाद ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया लास्ट डे 14 को नीचे आया, और आज 17 को यहाँ पर ही क्लोज हो गया, ठीक है। ये भी यहाँ से रिटर्न हो सकता है, लेकिन ये अभी बाय करना थोड़ा रिस्की रहेगा, ठीक है। तो आपको मेरा सजेशन है नेक्स्ट डे यानी कि कल ओपन होने तक, ओपन होने के बाद थोड़ा वेट कर जाइए, ठीक है, देखिए कि ये लेवल टूटता है कि नहीं। बिलो आपका बिलो जो लेवल है 21,300 की बिलो नहीं जाता, उसके नीचे नहीं जाए तो आप वहाँ आसपास 21,300 की आसपास से आप उसको बाई कर सकते हैं, ठीक है, सेल मत कीजिए अभी। मेरा तो सजेशन है बैंक निफ्टी को आप थोड़ा कुछ दिन अवॉइड करके चले,
क्योंकि बैंक्स की जो सिचुएशन वो पता नहीं क्या सिचुएशन है अभी, तो बैंक निफ्टी का जो सिचुएशन है आप थोड़ा अवॉइड करके चले तो बेटर रहेगा। और फिर भी आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, मैं खुद बैंक निफ्टी में काम करता हूँ इंटरनेट में, तब तो आप वो जो ग्रुप्स मैंने बोला था वहाँ पर ऐड हो जा सकते हैं। मैं बीच बीच में मार्केट टाइम में फ्री मिलता टाइम मिलता तो फिर मैं वहाँ पर अपडेट देता हूँ, और मैं जो खुद ट्रेड करता हूँ उसका भी वहाँ पर स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा फ्री में। कोई कॉस्ट नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है। मेरा ये पैशन है ट्रेडिंग, ठीक है। लास्ट 7 to 8 ईयर्स मैं इस फुल ट्रेडिंग बिजनेस में है, ठीक है। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आई विल हेल्प यू। और जो चीज़ है आज का, जो 3 कॉल्स आपको मैं कल के लिए, आज जो 3 कॉल्स आपको बताऊंगा, उसमें पहला वाला जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर है, पहला वाला जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA 50 का, 50 डेज का एवरेज। वहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से हमेशा स्टेट बैंक रिवर्स जाता है, ठीक है। आज वहाँ तक आया, फिर से ऊपर गया, और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं एकदम सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लिया है। मेरे ख्याल से ये अच्छा खासा पैटर्न है, 3 दिन नीचे आया, अब तो यहाँ से रिवर्स करना चाहिए स्टेट बैंक को, ठीक है। तो मेरा जो व्यू है आपको मैं बोलता हूँ, 192.7 अब लिख लीजिए, 192.7 का लेवल अगर आपको मिला और उसके आसपास, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिला भी तो चलेगा, 192.7 से लेकर 193 तक की लेवल, वहाँ से आप इसको उठा लीजिए, बाई कर लीजिए, ठीक है। बाई कीजिए उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, आप कैश में कर सकते हैं, आप फ्यूचर में कर सकते हैं। फ्यूचर की रेट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैश का रेट है, ठीक है, आप चेक कर लीजिए वहाँ पर ये फ्यूचर की कैश की कितना डिफरेंस है। क्योंकि छोटा छोटा ट्रेडर होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि कैश लेवल पे बताइए सर, तो इसलिए मैं कैश लेवल पे ही बताता हूँ, और चार्टिंग में भी उसका सुविधा होता है, ठीक है। और जो दोस्तों इसका आप वो जो लेवल मैं आपको बताया फिर से एक बार बता देता हूँ, 192.7 से लेकर 193 का लेवल तक आप बाई कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 190.85 का स्टॉप लॉस है। इसका टारगेट आप लगभग नेक्स्ट डे यानी कि कल को 196 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उतना भी नहीं भी मिले, 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी मिलता है, ठीक है। ये मार्केट ऐसा है रिटेल ट्रेडर के लिए, मैं आपको दोस्तों क्लियरली बता रहा हूँ, ये मार्केट इंट्राडे रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं है, ठीक है। ये पोजिशनल FII FDI बाहर की जो दुनिया है, मतलब आपका फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट्स जो होता है, FII जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिटेल लोग क्या बाय कर रहा है क्या सेल कर रहे हैं उसके ऊपर मार्केट में कोई असर नहीं पड़ता। तो आपको यही मेरा एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि स्टॉप लॉस को हमेशा मेंटेन करके चलिए, क्योंकि कहाँ पर कुछ भी न्यूज़ आ जाएगा वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका मनी, आपका हार्ड अर्न मनी, उसको सेव रखिए, स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिए, और जो भी प्रॉफिट मिले लेकर एक सिंगल ट्रेड करके निकल जाइए, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। तो स्टेट बैंक का जो कॉल था बाय नियर वो 192.7, स्टॉप लॉस 190.85, टारगेट 196 के आसपास। नेक्स्ट कॉल जो मेरा है वो है ICICI बैंक का। ICICI बैंक का पैटर्न देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने डाला हुआ है वो सपोर्ट लेवल पर है, और ये फिर से जो EMA है, EMA को टच किया है, ठीक है। ये यहाँ से बाउंस जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ICICI बैंक ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक और ओवरऑल 2nd लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है। आपको ये मानकर चलना अच्छा होगा, ICICI बैंक में भारी गिरावट कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका लोन बुक जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म में जाके ये बहुत ही प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन हम लोग इंट्राडे कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो कल का जो लेवल मैं आपको बताऊँगा
बाई ICICI बैंक 358.8, ठीक है, 358.8 59 का लेवल पे आप लोग बाई करेंगे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 354, ठीक है, 354 का स्टॉप लॉस, सॉरी 352 का स्टॉप लॉस, ठीक है, और बाई करेंगे 358.8 पर 352 का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो आपको मिल सकता है कल के लिए वो है 366-68 का, ठीक है। ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। अगर आप चाहे कैश में जो लोग काम करते हैं वो चाहे तो एक दो दिन होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग इंट्राडे में करते हैं जो भी मिले आप निकल जाइए। थर्ड जो कॉल आपके लिए है वो है ब्रिटानिया, ठीक है। ब्रिटानिया में क्या सिचुएशन है, ब्रिटानिया हाल ही में एक साल का हाई दिया। ये जो सेक्टर है दोस्तों, ये FMCG सेक्टर, इसमें अभी हाल ही में बहुत ही चंगा दिखने को मिला, ITC ब्रिटानिया सब कुछ, ठीक है। तो ब्रिटानिया में जो सिचुएशन अभी है वो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये डबल टॉप कर किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, यहाँ पर देखिए टू ब्लैक क्रॉस का, थ्री ब्लैक क्रॉस का पैटर्न बनाया, रिवर्सल जो डाउन ट्रेंड, उसके बाद फिर से आज ऊपर गया। और ये जो रेड लाइन आप देख सकते हैं, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि ये 12 अगस्त को यहाँ से बैक किया था, नीचे आया, आज फिर से वो लेवल दिखने को मिला, 3885 का लेवल। तो हम लोग कल अगर इस लेवल को फिर से देखने को मिला 3885 के लेवल, वहाँ पर सेल करेंगे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 3910, ठीक है, 3910 का स्टॉप लॉस होगा, 3910 को स्टॉप लॉस से 3885 के लेवल पर हम लोग सेल करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस है। और टारगेट जो हो सकता है दोस्तों वो है 3810, ठीक है, 3885 से सेल करेंगे, स्टॉप लॉस ऑफ 3910, और टारगेट जो हो सकता है 3810, ठीक है। ये तीन कॉल आप कल के लिए देखिए। और फिर से मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, आप चाहे तो ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं मेरा जो ट्रेड सब कुछ शेयर करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं वहाँ, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कमेंट में मुझे बताइए कि कैसे मैं नए नए कुछ टॉपिक बताइए वहाँ, उस पर मैं वीडियो डाल सकूं। और हाँ दोस्तों, जो चीज़ आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, मैं यहाँ से कोई इनकम करने के लिए यूट्यूब में मतलब कॉल्स जनरेट दे के इनकम करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। मेरा मार्केट आवर्स के बाद ये पैशन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है, ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा मिले मार्केट से। ज़्यादातर लोग इंट्राडे में लॉस ही करता है, ठीक है, वो तो अलग बात है, वो तो अलग चीज़ है। अगर आपको सीखना है, ठीक है, इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में, वो भी हम लोगों का एक वीडियो सीरीज़, 5 वीडियो का सीरीज़ ऑलरेडी आ चुका है, 5 स्ट्रैटेजी जहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल में जाकर, ये वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इंटरनेट का थोड़ा इशू है, चैनल में जाकर, वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या कौन सा स्ट्रैटेजी लेके, मैं 5 स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपलोड किया है, ऐसे और 95 एपिसोड आएगा मेरे पास, 100 स्ट्रैटेजीज का लिस्ट है जो मैं एक एक करके अपलोड करूँगा। तो आपको स्मॉल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इन सब स्ट्रैटेजीज को देखने को मिले, ठीक है। ये बोल के आज ख़त्म करता हूँ, कल फिर मिलते हैं, स्टे ट्यून, गुड बाय।